हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वाल स्टडी। मैं सोनू सर आप लोग को जीव विज्ञान कक्षा 10 का जीव विज्ञान पढ़ाने वाला हूँ। इसका एक लेक्चर पिछले दिनों मैं ले चुका हूँ, ठीक है, जिसका वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके आगे का लेक्चर पर ध्यान देते हैं, ठीक है। अगर आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और हमारा एप्लीकेशन भी है बाल स्टडी के नाम से, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सभी शिक्षकों द्वारा अलग अलग विषयों का तैयारी भी कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हम लोग यहाँ पे, हम लोग कल देख चुके थे जीवों में निम्नलिखित कारणों से पोषण की आवश्यक है, ठीक है। तो अगला हम लोग चलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण कहते किसको है, ठीक है। आगे हम लोग प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो जिस मूलभूत क्रिया द्वारा या फिर प्रक्रिया द्वारा पौधों अपना भोजन तैयार करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके तहत सभी हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और अपने जड़ों द्वारा जल तथा क्लोरोफिल के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करता है। इस प्रक्रिया को भी हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए CO2 पेड़ पौधे वातावरण से ले लेते हैं CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और ये H2O यानी कि ये जड़ द्वारा ले लेते हैं, ठीक है। और ये पेड़ पौधा है, ठीक है। और इसमें जो पत्ती में जो क्लोरोफिल पाया जाता है उससे क्या होता है, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी के बाद जो है इसी प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप पेड़ पौधे C6H12O6 का निर्माण करते हैं, यानी कि इसी को हिंदी में ग्लूकोज बोलते हैं। और इसके फलस्वरूप क्या होता है, जल का विघटन होके ऑक्सीजन का निर्माण करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में भी दिखाया गया है, ये पेड़ पौधे का पत्ती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जड़ है, जड़ से वाटर जा रहा है, ठीक है। ये जाइलम उत्तक द्वारा पेड़ पौधे के जो है जल पत्ती तक जाता है और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद इसी में पत्ती में ही क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है और इसी के दौरान जो है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप क्या निर्माण होता है, ऑक्सीजन और वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प का निर्माण होता है। जल वाष्प तो वातावरण में चला जाता है जो कि बादल बन के फिर बारिश होता है और ये ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए कच्ची सामग्री ये तो जड़ से मिल जाता है, जल जो है जड़ के द्वारा मिल जाता है पेड़ पौधे को। और CO2 का कहाँ से मिल जाता है, वायुमंडल से। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में ही एक तत्व पाया जाता है। तो आप लोग से पूछा जा सकता है कि पेड़ पौधे के पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं आंसर में, मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है, Mg। चलिए अब है सूर्य के प्रकाश कहाँ से मिल जाता है पेड़ पौधे को, सूर्य से। यही सब को प्राप्त करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। चलिए अब जल जो है पेड़ पौधे में जल का जो आवश्यकता होता है वो परासरण विधि द्वारा जल का निर्माण, जल का अवशोषण करता है पेड़ पौधे, क्योंकि जड़ में जो है कोशिका होता है, कोशिका में क्या होता है, कोशिका झिल्ली, और वो अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है जिसमें जल का
उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह को ही क्या कहते हैं, प्रसरण कहते हैं। ठीक है, अब पेड़ पौधे वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं देख लेंगे। ठीक है, तो पेड़ पौधे के पत्तियों में जो होता है अत्यधिक जल, अगर उसको प्रकाश संश्लेषण के अलावे अत्यधिक जल अगर अवशोषण हो गया, अगर जल अत्यधिक है तो वो क्या करेगा, वो पेड़ पौधे को, पेड़ पौधे के पत्तियों द्वारा जो एक्स्ट्रा जल होता है वो जल को कहाँ, वाष्प द्वारा, ये देखिए यहाँ पे ये जो जल हम लोग दे रहे हैं ये जड़ द्वारा कहाँ गया, पत्तियों में, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण हुआ। इसके अलावा अत्यधिक जल जो है ये वाष्प बन के ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं वाटर वेपर यहाँ पे जा रहा है इस तरह से। ठीक है, तो इसी को वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे के पत्तों में प्रकाश संश्लेषण के अलावे या ज्यादा जो जल होता है, अलावे जो जल की मात्रा होता है वो पत्तियों से, इसमें पत्तियों में रंध्र पाया जाता है जिसको अस्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, पत्तियों के रंध्र या अस्टोमाटा के द्वारा वातावरण में छोड़ देने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जो अत्यधिक जल होता है वो वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन के द्वारा क्या होता है, पत्तियों में जो जल होता है वो वातावरण में चला जाता है, उसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। चलिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब है प्रकाश संश्लेषण के चरण, मतलब कौन कौन सा स्टेप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण होने के लिए तीन स्टेप यानी कि तीन चरण आवश्यक है। पहला चरण है कि क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करना। पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, उस इसमें जो है क्लोरोफिल जो पाया जाता है उसके द्वारा क्या किया जाता है, सूर्य से उसका अवशोषण करना, प्रकाश को अवशोषण करना, और है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। अब इसके बाद क्या है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना और जल के अणु को, जल इसमें जो जल रहता है, जल का होता है अणुसूत्र H2O, अब इसको H2 और O2 में तोड़ देना। इसको क्या है, H2 और O2 में तोड़ देना। ठीक है, अब है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। अब ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या चीज में अपचयन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में। तो ये मुख्य तीन चरण है जो कि प्रकाश संश्लेषण में होता है। चलिए, अगला है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ क्या क्या है, मतलब प्रकाश संश्लेषण होने के लिए कौन कौन सा पदार्थ आवश्यक है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए चार पदार्थों की आवश्यकता होती है। कौन कौन, एक तो पर्ण रहित या फिर क्लोरोफिल, ये अगर पत्तियों में है तभी क्या होगा, प्रकाश का संश्लेषण होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक महत्वपूर्ण अंग है, एक प्रकार से पदार्थ है प्रकाश संश्लेषण के लिए। दूसरा H2O यानी कि जल, और तीसरा चौथा सूर्य का प्रकाश। ये सभी चार पदार्थ जो है आवश्यक है क्या चीज के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। चलिए, आगे है प्रकाश संश्लेषण का स्थान। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है, पेड़ पौधे में तो प्रकाश संश्लेषण होता है ये हम लोग को मालूम है, लेकिन किस स्थान पे होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अंततः
क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, ठीक है। और चूंकि ये अधिकांशतः पौधे की पत्तियों में पाए जाते हैं, इसीलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग भी कहते हैं। जो पत्ती, पेड़ पौधे की पत्ती होता है, वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। यानी कि क्लोरोफिल नामक एक वर्णक पाया जाता है, इसीलिए पेड़ पौधे के पत्तियों को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषी अंग बोलते हैं। यहीं पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है, ठीक है। एवं हरित लवकों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जान गए कि प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे के किस अंग में होता है या फिर कहाँ पे होता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है। अब हम लोग को जानना है कि क्या बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है या नहीं हो सकता है, मतलब क्या जरूरी है कि क्लोरोफिल होना आवश्यक है, उसके बारे में जानकारी लेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्लोरोफिल एक हरे रंग का तरल एवं क्षारीय पदार्थ होता है, ठीक है, जो पत्ते को हरा बनाने के साथ साथ उसमें नमी बनाए भी रखता है। पत्तियों को हल्का नमी और ग्रीन हरा, अगर जिस जो पत्ता हरा है उसमें क्या होगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा, ठीक है। तथा सूर्य की प्रकाश की किरणें के साथ साथ अशुद्ध CO2 को शुद्ध करता है। यदि यह नहीं होता तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पूर्ण नहीं होगा, ठीक है। अतः प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए सूर्य का ये क्लोरोफिल का होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है, अनिवार्य है एक तरह से। चलिए अब है एक प्रयोग के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल कितना आवश्यक है, ठीक है। तो प्रयोग में हम लोग आवश्यक सामग्री लेंगे, जैसे क्रोटन का पौधा लेंगे। क्रोटन का पौधा अगला स्लाइड में हम लोग दिखाते हैं किस प्रकार का होता है, ठीक है। अब एक परख नली लेंगे, परख नली आप लोग समझते होंगे इस तरह से होता है, ठीक है, या फिर कोई ट्यूब वगैरह या फिर प्रैक्टिकल लैब में होता है इस तरह से, ठीक है। और एल्कोहल लेंगे, एल्कोहल मतलब आप लोग समझ रहे हैं शराब, ठीक है। आयोडीन का घोल लेंगे, ड्रम्पर लेंगे, स्ट्रीट लैम्प और स्टैंड का प्रयोग करेंगे। अब क्या करेंगे, गमले में लगा हुआ क्रैम्पटन को क्या करेंगे, इस तरह से देखिए, ये पौधा क्रैम्पटन का पौधा, ये पौधा को हम लोग सजावट के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, सजावटी पौधा है, ठीक है। तो इसी का प्रयोग हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे में क्लोरोफिल आवश्यक है या नहीं है उसी को जांचने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, वो पत्ती को तोड़ के आंशिक रूप से हरी और आंशिक रूप से सफ़ेद होती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पत्ती किस प्रकार होता है, आधा हरा आधा पीला इस टाइप से होता है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, पत्ती को हरे भाग में क्लोरोफिल होता है परंतु सफ़ेद भाग में क्लोरोफिल नहीं होता है। अभी हम चर्चा किए थे कि जहाँ पे पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाएगा वहाँ क्या होगा, हरा होगा, यानी कि क्लोरोफिल के कारण, हरित लवक के कारण ही पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है, ठीक है। चलिए पौधे को स्टार्च रहित सहित सॉरी रहित बनाने के लिए 2 या 3 दिन तक अंधेरे में स्थान पर रखना है। अब देखिए प्रकाश, पौधे अभी जब तक लगा हुआ है पत्ती तो उसमें क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रहा है तो उसमें क्या है, स्टार्च बना हुआ है। पेड़ पौधे के पत्तियों में ऊर्जा किस रूप में है, स्टार्च के रूप में है। तो इसको क्या करेंगे, 2 से 3 दिन अंधेरे में रखेंगे ताकि उसमें सूर्य का प्रकाश ना मिले, जिससे क्या होगा, वो उसका जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया वो बाधित हो जाएगा और उससे स्टार्च धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, आगे देख लेते पहले उसके बाद समझते हैं, ठीक है। स्टार्च रहित वाले पौधे को 3 या 4 दिन के लिए धूप में रखते हैं। अब जब उसमें स्टार्च रहित स्टार्च खत्म हो गया तो उसको फिर क्या करेंगे, धूप में रखेंगे और पौधे के चितकबरी पत्ती को तोड़कर इसे अल्कोहल में उबालते हैं और फिर क्लोरोफिल, क्योंकि अल्कोहल में घुलनशील होता है, इसमें क्या होता है, इसको क्या करेंगे, वो जो सूखा हुआ पत्ती है उसको क्या करेंगे, अल्कोहल में फिर उबालेंगे। क्यों उबालेंगे, क्योंकि अल्कोहल में जो है ना क्लोरोफिल घुल जाता है, ठीक है, और इससे क्या होगा, क्लोरोफिल निकल जाएगा और पत्ती कैसा हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। ऐसे जल से धो देंगे, वो जो पत्ती अल्कोहल से निकाले हैं उसको क्या करेंगे, फिर से जल से धो देंगे, ठीक है। और रंगहीन पत्ती के ऊपर
आयोडीन घोल डालते हैं और रंग परिवर्तन का निरीक्षण करते हैं। अब क्या करेंगे, जो पत्ती हम उसको निकाले हैं इस तरह से, ठीक है, अब ये पूरा रंगहीन हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इस पर हम लोग क्या करेंगे, आयोडीन का घोल डालेंगे, उसके बाद निरीक्षण करेंगे, देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्या इसमें रंग परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो निरीक्षण में हम लोग पाएंगे कि पत्ती का सफ़ेद भाग जहाँ क्लोरोफिल नहीं था वहाँ पे किसी प्रकार का परिकलन नहीं हुआ, जहाँ पे क्लोरोफिल रहेगा वहीं पे आयोडीन का घोल डालने से क्या होगा, रंग परिवर्तन होगा, नीला हो जाएगा, ठीक है। और पत्ती का हरा भाग नीले काले रंग से परिवर्तित हो जाता है। निष्कर्ष में इस प्रकार दर्शाता है कि चूंकि हरी पत्तियों वाले भाग में क्लोरोफिल मौजूद था, ठीक है, और इसीलिए उस हिस्से में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण हुई और उसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ, जिसके कारण से वो भाग जो है गाढ़े नीले काले रंग का हो गया, परंतु सफ़ेद पत्तियों वाले भाग नीला नहीं हुआ क्योंकि इसमें क्लोरोफिल वर्णक मौजूद नहीं था। जहाँ पे पत्ती सफ़ेद था वहाँ कोई रंग परिवर्तन नहीं हुआ, और जहाँ पे पत्ती का पहले से जो क्लोरोफिल मौजूद था वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे क्या हुआ, उसका रंग का परिवर्तन हुआ, नीला हो गया हल्का सा। चलिए अब यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप लोग वीडियो को देखते हैं तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और आप लोग हमारे वाल स्टडी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पे यहाँ पे आपको मात्र 199 रुपया में आप सभी को एग्जाम तक 2025 बोर्ड एग्जाम तक आप लोग को फ्री टेस्ट मिल जाएगा और यहाँ पे आप लोग को क्लास भी मिलेगा अलग अलग शिक्षकों द्वारा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल अभी आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। टेक केयर, बाय बाय।